Subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. मैं सेवक राम ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ जो मंत्री पद का कार्य मुझे सौंपा जा रहा है मैं उसे सच्चे मन से कबूल करता हूँ मैं अपना जीवन देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को अर्पित करूंगा तुम लोग भी सोचते होंगे कि ये सेवक राम क्या प्रण कर बैठा, इस पर चलेगा तो खुद तो डूबेगा ही और साथ में तुम लोगों की लुटिया भी डुबो देगा। भाई वहां बात हमारे बस में नहीं थी। वो सुसरा काले कोट वाला हमारे मुंह में कसम पे कसम ठोसता हुआ जा रहा था। हाँ लो सब कसमें थूक दी। दरअसल इस जीत के असली हकदार आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों की धनराशि की वजह से मैं ये चुनाव जीत पाया। मगर वो हारा हुआ श्रीवास्तव रिकाउंटिंग करवाने की बात कर रहा है। इस बात की चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। हाँ, अब तुम लोगों ने स्मगलिंग वगैरह वगैरह जो कुछ भी करना है करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो कुछ भी करो पूरे अनुशासन के साथ करो। अनुशासन? और वो भी सेवक राम? इस शासन में अनुशासन का ही तो पंगा है नेताजी। देख रहा हूँ नीति राम चनकिया, हमें तो अपनी पीठ और तुम्हारे हाथ में खंजर नजर आता है। क्यों मजाक कर रहे हैं श्रीवास्तव जी? एक हारे हुए प्रतिद्वंदी के घर पुष्पमाला लेकर पधारे हो, ये मजाक नहीं तो और क्या है। हम तो इस पुष्पमाला में आपके लिए जीत का संदेश गूंज कर लाए थे। हमसे बात तो करो प्यार से। क्यों हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो नीतिराम? तुम तो जानते हो तुम्हारे भरोसे मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ था। इधर तुमने हमारी पीठ से हाथ हटाया, उधर सेवक राम हमारी कुर्सी पर जम के बैठ गया। तो सीट खाली करवा देते हैं। हमें लोग नीतिराम चाणक्य, किंग मेकर ऐसे तो नहीं कहते। हम इलेक्शन ही दोबारा करवा देते हैं। ये तो नामुमकिन नामुमकिन शब्द तो नीतिराम की डिक्शनरी में है ही नहीं। आप तो बस इलेक्शन की तैयारियां कीजिए श्रीवास्तव जी। लेकिन दोबारा इलेक्शन किस बिना पर होगा? मंत्री सेवक राम की पड़ गया पंगा। काम हो गया नेताजी, मेरी जान खतरे में है। मुझे जल्दी से 10 लाख रुपए और फौरन का टिकट दे दीजिए। नेताजी आप बोलते क्यों नहीं? नेताजी आप बोलते क्यों नहीं? नेताजी नेताजी तो खुदकुशी करके ऊपर की टिकट कटवा चुके। आप जिंदा हैं? हाँ, इसलिए कि तुम जैसे नमक हराम बॉडीगार्ड की बजाय ये बुलेट प्रूफ जैकेट ज्यादा वफादार है। ये सब तो मैंने नीतिराम के कहने पर किया था। उसने मुझे सुपारी दिया था। इसी हम खुश हुए। राजनीति के रथ को वो ही घोड़े खींचते हैं जिनकी आंखों पे वफादारी की पट्टी बंधी हो। तू एक काम कर, इसके गले से हार उतार के अपने गले में डाल ले, बाहर जाते ही तुझे 11 बंदूकों की सलामी मिलेगी। नेताजी अच्छा आदमी था, तुम लोग सब मिलकर उसका कत्ल किया। ये सब बातें ऊपर जाके तू इस हारे हुए प्रतिद्वंदी से कहना। आखिरी वक्त आ गया है तेरा, खामोश। तुम लोग कातिल हो, सारी दुनिया को बताऊंगा तुम लोग कातिल हो। नेताजी का खून तुम लोगों ने किया। अरे लुट गयो रे, लुट गयो। अरे नीति राम, तेरी चाणक्य नीति पे कुर्बान जाऊं। मैदान जंग में विजय का परचम विरोधियों की लाशों पर ही टिकता है। सेवक राम, अब जा तू भोग शासन का असली सुख। देखो ये काम हो जाना चाहिए। हाँ हो जाएगा साहब। गुड मॉर्निंग सर। सर आई एम रवि वर्मा। आओ भाई आओ, हम तो तुम्हारी ही रात देख रहे हैं सुबह से। सर ये मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट और एक्सपीरियंस पेपर्स हैं। एक बात सच सच बताओ, क्या नाम बताया? रवि। हाँ रवि, हमारी जान को कितना खतरा है? नथिंग टू वरी सर, अब कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो, अब तो हमारी सांसें तुम्हारी जिम्मेदारी पर अटकी हुई हैं। हाँ सर, मैं आपकी सिक्योरिटी में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ भाई इजाजत है, इजाजत है। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। नीति राम, आजकल तो रक्षक भी बक्षक हो गए हैं। मुझे तो इसकी वर्दी से भी डर लग रहा है सर। पता तो सब पता लगा रखा है, बड़े ही नेक परिवार से है, कोई पंगा नहीं है। घर में एक बीवी है, बच्ची है और एक छोटा भाई है, सुबह की दौड़ दिलो दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद होती है। मैं जानता हूँ भैया। तो फिर तुम ये भी जानते होंगे कि तंदुरुस्त आदमी जिंदगी की दौड़ में कभी नहीं हारता। क्या हुआ मेरे शेर? 10 किलोमीटर हो गए भैया, सांस फूल गई। ओए, कोई सांस वास नहीं फूली, नई शरारत सूझी है तुझे। चल भाग, तेरी उम्र में तो। भैया आप ठहरे पुलिस अफसर, मुझे कौन सा फौजी बनकर मोर्चे पर जाना है। अरे मोर्चे सिर्फ फौजियों के लिए नहीं होते, कल को तू भी वकील बनकर इंसाफ के लिए लड़ेगा ना। वो तो लड़ूंगा भैया, मगर रोज सुबह ये 10 किलोमीटर। अरे तेरे नखरों पर तो तेरा भाई अपनी जान दे देगा एक दिन। देखो रघुवीर, मैं चाहता हूँ तू इतना बड़ा आदमी बने, इतना बड़ा आदमी बने कि लोग कहे देखो देखो रघुवीर वर्मा का बड़ा भाई रवि वर्मा जा रहा है नेशनल हीरोज ब्रदर। कमान कमान, डेवलप डेवलप, वरना कल से 20 किलोमीटर। अरे नहीं भैया, 10 किलोमीटर ठीक है। आपका हुक्म सर आंखों पर भैया, आपका हुक्म सर आंखों पर। चाचू, I love you चाचू। चलिए ना, मैं देर हो रही हूँ। आया यस माय बेबी डॉल, आपका चाचू हाजिर है। भूल गए आप तो, मुझे स्कूल छोड़ने जाना है। अगर लेट मार्क लगे तो मैं बोल दूंगी, टीचर टीचर मुझे मेरे चाचू ने लेट कराया। मैडम, आपको आपके चाचू ने नहीं, आपके पापा ने लेट करवाया। सुबह सुबह सारे शहर का चक्कर जो मरवाया। अच्छा, कोई चाची मिली? सुबह चाची की भतीजी, दौड़ते दौड़ते कोई चाची मिलती है क्या? चलो बेटा, अपनी बोतल ले ले। अरे मेरी चाबी कहाँ रह गई? ये रही चाबी। थैंक यू, आप मेरा कितना ख्याल रखती है। जब आपकी शादी हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगा? डोंट वरी चाचू, जाने से पहले आपके लिए चाची ही डोंट कर जाऊंगी। चुप, कम ऑन। अरे रघुवीर, 1 मिनट, नाश्ता तैयार है, खाकर तो जाओ। नहीं भाभी, नहीं तो टीचर लेट मार्क कर देगी। क्यों? और 10 मिनट बाकी है। भाभी, भाभी। थैंक यू, थैंक यू स्वीट भाभी, थैंक यू। बाय 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 भैया, बाय बाय माय डार्लिंग। बाय मैडम, अगर आपको देवर और बेटी की खिदमत से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए ना, तो एक अदद प्याला चाय हमें भी मिल जाए। मेरे ख्याल से मैं आपका हस्बैंड हूँ, अगर आपको याद हो तो। याद है, अच्छी तरह याद है। आपका ही नंबर है। तो चाय बेडरूम में पी लें। ओले बाबा, सुबह सुबह इतनी नीयत खराब। आखिर आपकी पत्नी हो, अगर याद हो तो। अरे जब बीवी रात को नमकीन और सुबह शहद लगे तो नियत की ऐसी की तैसी। दोस्तों, हम न्यूजीलैंड की तरफ से आए हैं और देश की बढ़ती हुई आबादी के बारे में हम आपका इंटरव्यू लेंगे। कम ऑन गर्ल्स, आस्क देम द क्वेश्चन, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन, मैन और वुमन? कम ऑन। सारी की सारी इन नौजवानों के पीछे क्यों भाग रही हो? अरे इन बूढ़ों से भी पूछो, ये बूढ़े बेचारे दिखने में है बड़े भोले, लेकिन अंदर से है बड़े खूसक। आबादी बढ़ाने में इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं। क्या हो रहा है? लाफ एट मी, बिखर जाइए, बिखर जाइए। 1 मिनट बेटा, ये ट्रैफिक रोकने की वजह मुझसे नहीं, इनसे पूछिए। ये जो धड़ाधड़ बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, ये बच्चे आपके हैं? और नहीं तो क्या तेरे बाप के हैं? भैया, इतने सारे बच्चे पैदा करने में आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? भारतीय रेल विभाग को। भारतीय रेल विभाग को? वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे कॉलोनी के बीच में एक रेलवे लाइन निकलती है। अच्छा। रोज आधी रात को तेज रफ्तार से जब गाड़ी निकलती है, हाँ। पूरी की पूरी कॉलोनी जाग जाती है। उस समय काम धंधा तो होता नहीं, सभी एक ही काम में जुट जाते हैं। हाँ। सिर्फ मेरे ही नहीं, पूरे कॉलोनी के घर घर में 10 से 12 बच्चे से कम नहीं। वाह वाह, समझ गए आप? रेलवे अथॉरिटीज को बोल के ट्रेन के टाइमिंग रात से दिन करवा दीजिए, आबादी की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ? या श्योर। देश की बढ़ती हुई आबादी के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, औरत या मर्द? ऑफ कोर्स औरत। ये आप कैसे कह सकते हैं? औरतों को बच्चों का इतना शौक है कि वो एक के बाद एक पैदा किए जाती है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ आपकी जात है, औरत। आपकी जात? व्हाट डू यू मीन? देखिए मिस्टर, आप औरतों पर तोहमत लगा रहे हैं। तोहमत नहीं, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। आई से व्हाट आई फील, or else I go. Oh my God. चुप। देखिए मिस्टर, आप आज की औरत की इंसल्ट करके भाग नहीं सकते। मैं भाग कहाँ रहा हूँ? आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। That's all. देखिए, ये जो आपने बोला है सब रिकॉर्ड हो चुका है। टीवी पर दिखा दूंगी तो महिला समाज वाली आपकी पत्नियों का कुचुम्बर बना देंगी। फिर भी मेरी राय नहीं बदलेगी। मैं और जोर से कहूँगा कि इस समस्या की जिम्मेदार सिर्फ औरत, सिर्फ मर्द है, सिर्फ औरत, सिर्फ मर्द है, सिर्फ औरत, सिर्फ मर्द है, सिर्फ औरत, सिर्फ मर्द, औरतें, मर्द, औरतें। चलिए, चलिए, औरत, मर्द, माइंड ब्लोइंग। औरत, 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 मर्द है। आय और मर्द दोनों ही है। आई मस्ट गेट अ रिवॉर्ड फॉर दिस। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? भाइयों और बहनों, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो प्लीज। सर, कहीं राइश ना हो जाए, मामला बड़ा नाजुक है। भाई और बहनों, आई एम सॉरी, ये झगड़ा बंद करवाइए। ये लोग बेकसूर हैं, मैं ही जिम्मेदार हूँ। देश की आबादी मैंने बढ़ाई है, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं कसूरवार हूँ। आए तुमने कैसे? ना ही ये इंटरव्यू का प्रोग्राम रखता, ना ही ये दंगा फसाद खड़ा हो जाता। आए तूने सारे बच्चे पैदा कर दिए तो हमसे क्यों नहीं बच्चे पैदा करता मेरे गुल्लू? औरत झगड़ा क्यों करते हो चाचू? मेरे कहने से आप दोनों शादी कर लो, फिर देखना बेटा चाचा पता करता है चाची। वैसे प्रपोजल पूरा नहीं है, सोच लो। हाँ, सोच लो। She says what she feels, चाची, or else we go. वो इंटरव्यू देते देते मैरिज का प्रपोजल दे गया है। माल तो अच्छा है, शादी कर लो उससे। इट्स ऑल्सो एन इंटरव्यू बट लव इंटरव्यू। Gentleman, thank you. फिर मिलना कहाँ है? प्रेम नगर की प्रेम गली में छोटा सा एक घर है। किसी से भी तुम पूछ लेना, सबको वहाँ खबर है। यूँ ही बातों में सनम ढल जाए। sure, my pleasure. दूर न बैठो दिल भर मेरे पास तो, बंद करो दरवाजा पर्दा को गिराओ। पल के लिए एक दूजे से ना दूर रहेंगे हम। Love it with you, 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 love। रोशनी उठ जाए ना तो उसे नाश्ता करा देना, मेरे कोर्ट जाने का वक्त। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग बेटा। सॉरी मामा, आज आपको अकेले नाश्ता करना पड़ा। अब अकेलेपन की आदत डाल रही हूँ, कल को तेरी शादी हो जाएगी तब कौन बैठेगा मेरे साथ नाश्ते पे। नहीं मामा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटियों के ऐसे बोल तो पराई होने के बाद भी उन्हें माँ बाप से जोड़े रखते हैं। अरे तुझे ऑफिस नहीं जाना? ऑफिस मामा, टुडे हॉलिडे मूड। क्यों? तू तो कह रही थी कि कल बहुत से लोगों को इंटरव्यू करना है। कल एक ऐसा इंटरव्यू लिया कि सब सवालों का जवाब मिल गया। रोशनी बेटे, डोंट लुक एट मी लाइक दैट मामा। आप जज है ना, बात बात पर शक करती है। जज होने के साथ मैं तेरी माँ भी हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि तेरी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। आई हैव फुल फेथ इन यू बेटा, मगर फैसला मेरा होगा, उसे मेरी अदालत में पेश करना होगा। यस मामा, लेकिन क्या फैसला देंगी आप? अदालत इन दोनों प्रेमियों को एक दूसरे के गले में वरमाला डालने का हुक्म देती है। आई लव यू मामा, आई लव यू सो मच। ओके बेटा, आई एम गेटिंग लेट ना। ओके ओके, बाय माँ। लव इट यू। गुरु, कुछ बात तो जरूर है। ए बैंजो मास्टर, बंद कर इसे। ये जिम है जिम, तेरा म्यूजिक का हॉल नहीं। जिम? हाँ, अब का रहा, अब तो ये इश्क का अखाड़ा हो गया। चुपे, जाओ उन बच्चों को एक्सरसाइज सिखाओ। ये लोग फीस देते हैं जिससे जिम और स्कूल चलता है। क्या? अरे मितवा भैया, क्यों सता रहे हो? देख सरिता, समझा दे अपने मितवा भैया को। मुझे तो स्कूल के बच्चों के लिए नया ब्लैक बोर्ड, चौक और नोटबुक्स चाहिए। ठीक है, कॉलेज से आते वक्त लेते आऊंगा। अच्छा भैया, मैं अभी आती हूँ। बाय। ये तो किताबों की दुकान में भी उसको ढूंढता फिरेगा। इश्क के कुछ टोटके हमें भी आते हैं, हमसे भी सीख लो। नहीं भाई, हम सिखा देंगे, देख लेना। कच्चे धागे की तरह खींचती हुई तेरे घर पे चली आएगी और यही धुन गुनगुनाएगी। क्या आप बता सकते हैं इस इलाके में रघुवीर कहाँ रहता है? जी। ओ, तो आप वही हैं? वही है? क्या मतलब है आपका? वही जो हमारे दोस्त के दिल और दिमाग पर छाई हुई है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मैं समझा देती हूँ। ये सब लोग कल से परेशान हैं कि रघुवीर भैया ने ऐसी कौन सी हूर की परी देखी है जो हर वक्त सोच में पड़े रहते हैं। बाय द वे, मैं रघुवीर भैया की मुंह बोली बहन हूँ सरिता, एंड माय डिसीजन इज फाइनल डिसीजन। अरे ये तो ऐसे ही अपनी बड़स दिखा रही है, और रघुवीर हमारी बात कभी नहीं टालता। क्यों? हाँ, कभी नहीं टालता। आप लोगों की बातों से ऐसा लगता है कि रघुवीर सचमुच प्यार का सागर है। सागर भी है और पागल भी है। चुप रहो, जब जो जी में आए बक देते हो। रघुवीर भैया हमारी जान है, और उसकी जान है वो छोटी सी बच्ची स्नेहा। अगर मामला पटाना हो तो बच्ची को पटाना होगा। आंटी आप? गुड मॉर्निंग मिस स्नेहा वर्मा। कल मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये सपना नहीं, सच है। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने आई हो या चाचू? क्या हुआ? चाचू तुम? यहाँ क्या कर रही हो? ओह माय गॉड, बर्बाद होगी। तुम समझते क्यों नहीं? जाओ यहाँ से, भैया का आने का वक्त हो गया। आते आने दो, आज उनसे भी मिल लेंगे। तुम समझते क्यों नहीं? हाँ, ये क्या अच्छी बात है? छोटी सी बच्ची को पटा लिया और घर तक आ पहुंची। पटाना तो तुझे है बच्चू, सीधी तरह लाइन पे आ जा, वरना। रघुवीर। भाभी। कौन है आप? मैं नहीं जानता भाभी, मैंने नहीं बुलाया। कौन है आप? जाओ 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 गो। ओ, अगर बुलाया नहीं तो उसे जाने के लिए क्यों कह रहा? मैंने कब कहा? अरे अभी तो कह रहा था। मैं कह रहा था? क्या बात करी है भाभी, मैंने इसे नहीं बुलाया, ये खुद चली आई। अच्छा, मेरे पीछे पड़ी है यार। और भाई क्या? तो ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। मेरा नाम रोशनी है, मैं जज गायत्री देवी की बेटी हूँ। और मेरी चाची। हाँ। बच्चों की तोतली जुबान में भगवान के बोल छुपे होते हैं। मेरा दिल इस मासूम रिश्ते को कबूल करता है। दिल तेरा दीवाना है, दिल तेरा दीवाना, चोरी चोरी तेरा मेरा बन गया अफसाना। हाँ, दिल तेरा दीवाना है, दिल तेरा दीवाना, चोरी चोरी तेरा मेरा बन गया अफसाना। मेरी जान जाना मेरे पास आना, ओ मेरी जान जाना मेरे पास आना, अपने आशिक को तड़पा के ना जाना। हाय दिल तेरा दीवाना है, दिल तेरा दीवाना, चोरी चोरी तेरा मेरा बन गया अफसाना। मेरे जाने जाना मेरे पास आना, ओ मेरे जाने जाना मेरे पास आना, अपनी जान को तड़पा के ना जाना। हाँ, दिल तेरा दीवाना है, दिल तेरा दीवाना, ने इकरार किया है, मेरी जानात ख्वाबों में तेरा दीदार किया है। मुझको पहचाना ओ दिल तेरा दीवाना है, दिल तेरा दीवाना। चोरी चोरी तेरा मेरा बन गया अफसाना। इश्क में हमदम मेरी तो दास्तां तू है। जाने जाने जमाना इश्क सदियों पुराना हो, जाने जाने जमाना इश्क सदियों पुराना। दिया मैंने तुझे चाहत का नजराना। हाँ दिल तेरा दीवाना है, दिल तेरा दीवाना। चोरी चोरी तेरा मेरा बन गया अफसाना। कल से एग्जाम्स हैं, इसलिए मुलाकातों का सिलसिला कुछ दिनों के लिए बंद। ओके? अरे भाई, लाइब्रेरी में इतना मातम क्यों है? भाई कल से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। आज की रात इस कॉलेज में हमारी आखिरी रात है। जरा इस रात पर रंग तो छिड़के। ये लाइब्रेरी है, तारों का अड्डा नहीं। आई एम सॉरी। थैंक यू। खबर मिली है कि यूनिवर्सिटी वैन क्वेश्चन पेपर लेकर प्रेस से ठीक रात 10 बजे निकलेगी। क्वेश्चन पेपर लूट लो। queramos. गुड। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो कुछ भी किया ठीक किया, लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जो कुछ भी करना है कानून की हद में रह के करना। रवि बेटा। प्रिंसिपल साहब आप। इसने जो कुछ भी किया है कानून की हद में रहकर किया है बेटा। आई एम प्राउड ऑफ हिम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बेटा मैंने सोचा कुछ समय इस राम कुटीर में क्यों ना बिताया जाए। रघुकुल की रीतें आज भी यहाँ जिंदा है। सर ये सब तो आप गुरुओं की बख्शिश है। बेटा गुरु तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, इम्तहानों के सफर तो शिष्य खुद तय करते हैं। रघुवीर भगवान करे जीवन के हर इम्तहान में तुम हमेशा अव्वल रहो। गॉड ब्लेस यू। बिट्टू, you can't adopt amphetamine. तुम इस तरह नकल नहीं कर सकते। चलो प्रिंसिपल के पास। मेरा बाप इस कॉलेज का चेयरमैन है, मालिक नहीं। अरे जा, जाकर अपने जख्म का इलाज करवा जो रात को दिया है। मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो बाजू काटकर फेंक दूंगा। बिट्टू बात करने की तमीज सीखो। अच्छा हुआ तुमने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया। मैं तुम्हें इसी वक्त कॉलेज से रेस्टिकेट करता हूँ। रेस्टिकेट? अरे बुड्ढे हमारे ही टुकड़ों पर पलता है और हमें ही आंखें दिखाता है। एग्जामिनेशन हॉल में दंगा फसाद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ और सरकारी ड्यूटी दे रहे कॉलेज के प्रिंसिपल पर कातिलाना हमला, इन सब गुनाहों को मिलाकर कितनी सजा बनती है आपको मालूम है मिस्टर झुंझुनवाला? अजी मैं तो कहता हूं अपराधी को फांसी पर उल्टा लटका दीजिए, सजा दीजिए, लेकिन कानून तोड़ने वाले को, बेगुनाह को नहीं। मेरा बिट्टू तो बिल्कुल मासूम है, गाय है गाय। आप इन्हीं से पूछे जिनके साथ वारदात हुई है। क्यों प्रिंसिपल साहब आप चुप क्यों हैं? कानून तोड़ने वाला अपराधी तो रघुवीर है साहब। नहीं सर, सर सर ये झूठ है सर, सर ये झूठ है। बिट्टू ने तो मुझे बचाया, ये मेरा लिखित बयान है, प्लीज साइन है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे प्रिंसिपल हाथ हिलाओ, बाहर खड़ी कार में बैठो एसी ऑन करके। नहीं सर। लिखो। हाँ नहीं सर नहीं। आई एम सॉरी डैड। सॉरी क्यों बेटा? इस कारावास में तो बड़े बड़े लोग आ चुके हैं और इस शुभ काम के लिए इंस्पेक्टर साहब का धन्यवाद करो। थैंक यू इंस्पेक्टर। यू आर वेलकम। आओ डैड। You bastard! Hey! ज़्यादा टाइटाई की तो देख ले जो डंडा, तेरी खाल में बारूद भर के फलीता लगा दूंगा। और तुम कर भी कह सकते हो रिश्वतखोर कुत्ते। दाम उसी चीज के लगते हैं जो कीमती होती है। तेरा क्या लगेगा? उसका तो बाप था जो उसे छुड़ा कर ले गया। तेरा भी कोई आगे पीछे है या कचरे के ढेर से निकला था हरामी? मैं फूंक के रख दूंगा सबको। फड़फड़ा और पंख मार। ये जो पिंजरा है ना, जब भी तेरे जैसा नया पंछी इसमें आता है ऐसे ही फड़फड़ाता है, ऐसे ही। बच्चों, तेरा पाला थानेदार गुरबचन सिंह से पड़ा है। मैंने अमृतसर और गुरदासपुर के बड़े बड़े थाने चलाए हैं। ऐसी FIR लिखूंगा कि पूरे का पूरा इंडियन पिनल कोड तेरी चमड़ी पर चिपक जाएगा। अब देखना कानून का शिकंजा। आरती, तुम? गजब हो गया, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। इतनी घबराई हुई क्यों? देखो देखो, रघुवीर हवाला से बंद है। कॉलेज में उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया और मैं झगड़ा। हाँ, एग्जाम में भी डिस्टर्ब हुआ था। पुलिस वालों ने बिट्टू को छोड़ दिया और सारा इल्जाम रघुवीर पर डाल दिया, इसलिए कि बिट्टू का बाप कॉलेज का चेयरमैन है और बहुत पहुँच वाला है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आम ऑफिसर, बड़े लोगों से झगड़ा, मैं उसे छुड़ाऊंगा कैसे? हम छुड़ाएंगे उसे। अरे भाई, जवान छोकरे छोकरियां झगड़ा फसाद नहीं करेंगे तो क्या हम लोग करेंगे? हाँ? और फिर रवि, अब तुम हमारे आदमी हो। हाँ, और हमारे ही राज में हमारे ही आदमी को कोई आंच है? हाँ? तो फिर किस काम की है ये सुसरी नेतागिरी? अरे मखीजा जी साहब, जरा पुलिस स्टेशन में घंटी बजाओ। हेलो, ये साहब। ओके साहब। नो साहब जी, नो साहब जी, नो। माय फॉल्ट साहब जी, माय फॉल्ट। ओके साहब, यू विल गेट इट डन साहब जी। मारे गया गुरबचन सिंह। आइए माँ बाप, आइए। मुझे क्या पता था कि मैंने अपनी सरकार को बंद कर रखा है। हाँ साहब, आप एक बार हुक्म करते कि आप बड़ी सरकार के भतीजे हैं तो मैं उस साले झुंझुनू वाले का झुंझुनू बजा देता। हाँ बैठिए ना जनाब, बैठिए। ये कुर्सी किसके लिए है साहब? आप ही के लिए है। ये देखिए, हाँ ये FIR है ना साहब, मैं FIR ही फाड़ देता हूँ। हाँ, और जनाब आपका हुक्म हो तो मैं ये पूरे के पूरे रजिस्टर का ओम बूर बुआ स्वाहा ही कर देता हूँ। फिर उखाड़ ले झुंझुन वाला जो उखाड़ सकता है। सॉरी, लैंग्वेज प्रॉब्लम साहब, लैंग्वेज। हाँ, 420 जी साहब। साहब के लिए चाय लाओ, 3 इंच मोटी मलाई डाल के, ये साथ में लड्डू भी लाना। देखो मुझसे रूठ के मेरी सरकार जा रही है, दिलाओ जल्दी। आ गए। सुनो, अंदर से दिया अगरबत्ती लाकर आरती उतारो इनकी। सुबह कॉलेज गए थे एग्जाम देने और लौट के आए पुलिस स्टेशन से। पूरी व्यवस्था को बदलकर देश का उद्धार करेंगे। किस इनकलाब की ठेकेदारी लिए जरा पूछो अपने लाडले से। देख क्या रहे तू, तोड़ने चला सिस्टम को। तू अकेला क्या है तेरे पास? रघुवीर, मैंने तुझे पहले ही हिदायत दी थी कि कानून की हद से बाहर बच जाना। तेरी इस हरकत ने तेरा करियर बर्बाद कर दिया है। अगर कहीं अन्याय है तो उसके लिए न्याय की व्यवस्था है, पुलिस है। देखी मैंने पुलिस और इसकी व्यवस्था जिसे उनके रक्षक ही लूटते हैं। ये बड़े बड़े लोग। कौन बड़े बड़े लोग? यानी मंत्री जी, जिन्होंने तुझे छुड़ाया। अरे एहसान मान उस नेक इंसान का, वरना पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद अपना चेहरा नहीं पहचान पाता तू। तो मार कर काट देते मुझे भाई। आप जो मर्जी कहिए भैया, मैंने फैसला कर लिया कि आज के बाद मैं किसी जालिम के सामने आंखें मूंद कर नहीं जीऊंगा। क्या करेगा तू? दंगे ही बनेगा, इश्तिहारी मुजरिम। अरे याद रखना, अगर ये खुराफात तेरे दिमाग में है तो मेरे यहाँ तेरी गर्दन का शिकंजा होंगे। अरे बच्चों के साथ इतना सख्त व्यवहार अच्छा नहीं है। कुछ नहीं बिगड़ा, अगले साल इम्तिहान में बैठेगा तो सुधर जाएगा। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। माफ कर दो रघुवीर। माफी मांगने से सब कुछ वापस तो नहीं आएगा सर। आप तो मेरे आइडल थे। मैंने उस वक्त आपका साथ इसलिए दिया क्योंकि आप उसूल के लिए लड़ रहे थे। मैंने सच्चाई का साथ देना चाहा, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? गुरु होकर इस तरह की गुरु दक्षिणा ली? रघुवीर बेटा, मैं तुम्हारा गुरु जरूर हूं, लेकिन एक अकलौती मासूम बच्ची का बाप भी हूं, जिसे इन लोगों ने किडनैप करके मुझे ये धमकी दी कि अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ बयान ना दिए तो मुझे मेरी बच्ची की लाश गटर में मिलेगी। अपनी बच्ची की मौत का सुनकर मैं कमजोर बाप बनकर रह गया। गुरु के रुतबे से बहुत नीचे गिर गया बेटा, बहुत नीचे गिर गया। मुझे माफ कर दो रघुवीर, मुझे माफ कर दो। नहीं सर, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। हमारे देश में शिष्य गुरु के पैर छूते हैं, गुरु शिष्य के नहीं। रघुकुल में ऐसी रीत नहीं है सर। रघुवीर, रघुकुल की रीतों को निभाने के लिए राम चाहिए। कहाँ है राम? धर्म, कर्म, परंपराएं सब मर चुकी हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। कहाँ है राम? कहाँ है राम रघुवीर? अगर यह प्रिंसिपल जिंदा रहता तो रघुवीर को सारे राज बता देता। अब यह चश्मदीद गवाह भी दफन और सारे राज भी दफन। प्रिंसिपल साहब की मौत का हम सबको अफसोस है, लेकिन क्या करें, जन्म और मरण यही तो सत्य है, बाकी सब झूठ। जिन्होंने अपराध किया बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और उन्हें अपने किए की सजा भी मिलेगी। कानून जो है ये पहली बार नहीं हुआ है। हर रोज ऐसे ही हजारों बेबस गरीब लाचार मारे जाते हैं। जालिमों ने पूरे देश का चेहरा ही लहूलुहान कर रखा है। बाप की वसीयत समझ रखी है इन हरामियों ने कि ये कुछ भी करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। आखिर कोई तो है जिसने अपनी जान हथेली पर रखकर जुल्म को मिटाने की ठान ली है, और वो है हमारा रघुवीर। हमारा कसम है इस तिरंगे की, इस जंग में आज से तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब। लेटेस्ट आर्म्स का लॉट पूरा एक ही हफ्ते में बिक गया बॉस। ये लो खोखा। रघुवीर, रघुवीर। इन्हीं हाथों से तुम पुलिस के कुत्तों को खरीदते हो ना? नहीं। इन्हीं हाथों से तुम आतंक का नंगा नाच मचाते हो ना? नहीं। इन्हीं हाथों से तुम मौत के काले वारंट लिखते हो ना? इन्हीं हाथों से तुमने मेरी प्रिंसिपल की हत्या की थी ना? ये तेरी चीख नहीं, रघुवीर के जंग की नगाड़े की पहली चोट है। मैं हूं आग का दरिया, मैं उल्फत का घी, युगों से निभाए जो रघुकुल की रीत। मिटा दूंगा जग से इस सुन का अंधेरा, मैं रोशनी का आशिक, मेरा नाम रघुवीर। हाँ रघुवीर, उसने मेरे बेटे के दोनों बाजू तोड़े, मेरे आदमियों को मारा और हम सबको खत्म करने की धमकी भी दी। दुश्मन ने तो अभी दूध के दांत ही निकाले हैं, बच्चा है। आप हंस रहे हैं अजी, ऐसे बच्चे को तो आग में झुलसा देना चाहिए, तभी होगा मेरा कलेजा ठंडा। आखिर हमारी भी कोई इज्जत है, हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी। आखिर फंड्स में मुंह मंगा चंदा देते हैं हम। चंदे का पंगा मत खड़ा कर झुनझुन वाला, चंदे से यतीम खाने चलते हैं, राजनीति नहीं, समझा? गुस्सा नहीं नीतीराम, गुस्सा नहीं, अपने दिमाग पर ठंडक छड़क। क्या नाम बताया उस सपोले का? हाँ रघुवीर, उसका कुछ तोड़ सोच। उसका तोड़ तो मैंने सोच लिया है, उसका तोड़ होगा मेरा छोटा भाई गणपत गजानन। सुना इस इलाके में एक बहुत बड़ा सूरमा रहता है जिसे तुम लोग अपना मसीहा मानते हो, हा? जाकर उसे बोल कि तुझे वो गणपत के जुल्म से बचाए। जाकर बोल अपने मसीहा को। ए जबरू, जाने दे यार, इसे जाने दे। चल जाना अपने मसीहा को बोला। इस पे गणपत ने अपनी मोहर लगा ली है। वो आएगा, जरूर आएगा। कौन थे वो लोग? रवीन, घबरा मत, उसने तेरे चेहरे पे जख्म नहीं दिए, मेरे सीने में दुश्मनी का बीज बोया है। घबरा मत, तू घबरा मत। जिंदगी में पहली बार कोई ढंग का दुश्मन मिला है, तो देखना मैं तेरे लिए उसकी जिंदगी में कैसे कैसे जख्म भर देता हूँ। हमारे इलाके में आते ही उसकी जुबा पे बस एक ही नाम था, रघुवीर। क्यों? यानी कि उसकी दुश्मनी बस्ती के लोगों से नहीं, हमसे है। इसका मतलब वो कोई मामूली सलकछाप गुंडा नहीं, बल्कि एक मोहरा है उस दुश्मन का जिसकी हमें तलाश है। और उस दुश्मन को ढूंढने के लिए इसे ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके कदमों के निशान हमें उस दुश्मन तक ले जाएंगे। Sir? Take it easy, baby. आज माल की सप्लाई धारावी वाले अड्डे से होगी, और एक बात और, आज रात को सब काम पूरा हो जाना चाहिए, समझे? में चमड़े के कारखाने के पीछे उसका ठिकाना है। भैया, मैं उसे संभालता हूँ, तुम लोग भैया को संभालो, ओके? पीछा करो, 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 पीछा करो। रघुवीर कहाँ है? रघुवीर, आप तो खामोखाम शक कर रहे हो भैया। हम चारों तो नाइट्स ऑफ फिल्म देखकर आ रहे हैं, और उस फिल्म का नाम भी था पीछा करो। पीछा करो, पीछा करो। यार आप, ये पुलिस वाले की आंख है, इससे आंख बिचौले मत खेलना। इतना बताओ कि आज के नाइट शो का हीरो कहाँ है? बता, बता कहाँ तेरा मालिक? रघुवीर, ये लो प्रसाद। जी भाभी। कहाँ था तो रात भर? यही तो था, मैंने जगाया। लेकिन आप कहाँ थे रात भर? मैं इसे ढूंढने गया था। वाह, बगल में छुरा और शहर में ढिंढोरा। ये मजाक का वक्त नहीं आती। हर रात उधर से सीटी की आवाज आती है और ये अपने टपोरी दोस्तों के साथ कहीं चला जाता है। देख, तू जहाँ भी जाता है ना, मेरी नजरों से बच नहीं सकता। बाज आजा वरना। अरे ये क्या लगा रखा है सवेरे सवेरे? ये लीजिए श्री राम जी का प्रसाद। देखो इसकी गलतियाँ हमें ले डूबेंगी। आपने भी तो एक गलती की है भैया। मेरा नाम रघुवीर जो रख दिया और जुर्म के खिलाफ लड़ना रघुकुल का धर्म है। क्यों स्नेहा? Come on, let's go. I love you, चाचू। तू हर बार झूठ बोलकर इसकी तरफदारी करती है। मुझे डर है तेरे इस लाट का अंजाम कहीं बुरा ना निकले। अरे गांव की तो बात ही कुछ हो। अरे यार तुम तो अकेले अकेले मजा लूट के आए हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। तुम में से बजरंगी कौन है? ओ भाई बजरंगी तो मैं हूँ, लेकिन तुम कौन हो? हम हैं लड्डू सिंह लखनपुर वाले, यानी कि तुम्हारे साले। साले? ओ यार क्या बात कर रहा है, मैंने तो लखनपुर का नाम तक नहीं सुना। सब कुछ याद आ जाए जब ये डंडा तो आया। ओ भाई साहब ये क्या बदतमीजी है? क्या बताए साहब, ये ससुरा हमारे बहन के साथ राम जी के हाजिरी माँ साथ साथ फेरे लिए और अब सुना भूल गया। साहब हमार बहना बाहर रो रो के जान दे रही है इका याद माँ। हाँ ये देखो हमार बहना ने इनके लिए अपने हाथों से लड्डू बनाकर भेजे हैं। अब इस ससुरा इनको खाएगा तो शायद इनकी याद में कुछ आ जाएगा। ओए, मैं कोई लड्डू नहीं खाने वाला। मैं नहीं जानता लड्डू सिंह इसकी बहना को। ओ सुनो, ये लड्डू तुम्हारे अंदर जाए तो सब कुछ याद आ जाए। हाँ लेकिन मैं नहीं जानता तेरे को। मैं की तो तुम लोग भी खाओ ना अपने भाभी के हाथन के बने हुए लड्डू। आप भी खा लीजिए ना साहब, ये प्यार के लड्डू हैं। इनका खाते ही प्यार में किए हुए कई बातें याद आ जाते हैं। ठीक है प्यार की बात है तो खा ही लेते हैं। अरे तुम भी तो खाओ लड्डू सिंह। आप अपन हाथों से खिलाएंगे तो हम मना थोड़ी कर में। अरे अरे खा लो। लड्डू सिंह अबे लड्डू सिंह कितने मजे से लड्डू खा रहा है। इसे क्या मालूम कि लड्डू में भांग है। लेकिन रोशनी लड्डू तो तूने भी खाया। अबे वो लड्डू सिंह कमाल का लड्डू है, एक और खिला दे। लड्डू है भाई, क्या लड्डू है। और बजरंगी की पकड़ हमारे काम तो हुई गवा। ये किसकी भाभी के लड्डू है? ओए साहब कुछ हुआ का? जो तुम्हें हो रहा है लड्डू सिंह, तू झूम रहा है यार। नहीं साहब हम नहीं झूम रहे, आप झूम रहे हैं। अच्छा हाँ। क्या करूं यार, तूने दोस्ती की ऐसी लड्डू खिला दी कि सारी दुनिया झूम रही है यार। लड्डू सिंह आ आ गले लग जा यार, गले लग जा यार। अरे आ यार, अरे लग जा, गले लग जा। लड्डू सिंह तू तो मेरी रोशनी लग रही है यार। ये कैसा जादू है? हा? ये तो प्यार का जादू है साहब। मैं हुई आपकी रोशनी। चमन चेहरा तेरा जादू कोई जादू ओ जाने मन चेहरा तेरा जादू ओ कोई जादू देखा है मैंने तेरी नजर में तेरे जिगर में जादू कोई जादू जादू जाने मन चेहरा तेरा जादू ओ कोई जादू महबूब सनम तेरे सर की कसम दीदार हुआ जब से मेरी नींद गई मेरा चैन गया मुझे प्यार हुआ तब से बेचैन किया जब दिल ने मुझे तुझे मांग लिया रब से सीने में छुपा के रखा है दिलदार तुझे सबसे तेरी हंसी में तेरे लबों में गालों पे तेरे तेरी लटों में जादू ओ कोई जादू जादू कोई जादू ओ दिल रुबा ये इश्क क्या जादू कोई जादू जाऊं मैं जहाँ हर वक्त वहाँ तेरी याद सताती है आवाज कोई हर वक्त मुझे क्यों पास बुलाती है सपनों की परी बन के जो कभी तू सामने आती है सच कहता हूँ मेरी जान मेरी तू होश उड़ाती है बातों में तेरी तेरी सदा में सांसों में तेरी तेरी वफा में जादू कोई जादू 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 ओ कोई जादू देखा है मैंने तेरी नजर में तेरे जिगर में जादू कोई जादू जादू हाँ हाँ जादू ओ जाने मन चेहरा तेरा जादू ओ कोई जादू भैया सुनिए, वो मुझे ढूंढते ढूंढते अपने अड्डों तक पहुंच गया है। अगर वो यहाँ पहुंच गया तो पागल कुत्ते की दौड़ उसे उसकी मौत तक ही पहुंचाती है। मतलब आने दे उससे, कोई पंगा नहीं। लेकिन तीसरे और पांचवें फ्लोर पर मेरे सिक्योरिटी कमांडोज तैनात है। हाँ, वो देख। और चौथे फ्लोर पे तुम रहोगे। हाँ, बीच में। उस हरामजादे के लिए कमांडोज और तेरे लिए सब मजे। लेकिन भैया इसका मतलब है मैं बाहर नहीं जा सकता? चाणक्य नीति यही कहती है, बाहर नहीं, ऐश कर, मजे ले। बहुत नटखट है गणपत तू। चार चार अरे ये क्या? ब्यूटी और पर्दा? नहीं नहीं, ये तो आप लोगों की खूबसूरत जिस्मों के साथ नाइंसाफी है, जुल्म है ये। मेरी मूंगफली, मेरी कुल्फी हो, सर पर्दा तो हटाओ। पर्दा है पर्दा। मेरे चार गिनने तक चारों के पर्दे हट जाने चाहिए। क्यों? एक, दो, तीन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चार। वही रुक जाओ, हिलना नहीं, आगे बताना। बंद करो, बंद करो। मंत्री अंकल, क्या हुआ गणपत? रघुवीर कोई तरीका है किसी वीआईपी के घर आने का? भैया भैया वो गणपत इस घर में आकर छुपा हुआ है। भैया भैया वही गणपत जिसने अपने मोहल्ले में आकर सरिता के साथ बदतमीजी की थी। वो एक बहुत बड़ा स्मगलर है भैया, ड्रग्स का डीलिंग करता है वो। यार सबूत है तुम्हारे पास? बहुत सारे सबूत है सर मेरे पास। मैंने खुद अपने आंखों से उसके अड्डे और धंधे देखे। आप उसे बाहर निकाल कर पूछे, एक घंटे पहले वो अंबर होटल के बाहर क्या कर रहा था? एक घंटा पहले अंबर होटल में? हाँ सर। पागल तो नहीं होगे तुम? वो तो 2 घंटे से मेरे साथ है। क्या हुआ अंकल? ये हमारा बच्चा है। नमस्ते। देश का भावी युवा नेता है ये। अब तुम इस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। झूठ पे पर्दा तो आप डाल रहे हैं। नेता के रूप में बहरूपी आप। आज पता चला इन सबको आपकी शय है, इसलिए ढाल बनकर बचा रहे आप इसे। ढाल तो तेरा भाई बना हुआ है, बना भी तू मौत के घाट उतार दिया चाहता। मौत तो मैं तुझे जानती हूँ। तुम किससे बात कर रहे हो? क्या मंत्री जी झूठे हैं? हाँ भैया, ये सब झूठे हैं। नाउ बिहेव योरसेल्फ रघुवीर। मैं इनका बॉडीगार्ड हूँ और इस वक्त इनकी ड्यूटी पर हूँ। अपनी हद से बाहर मत जाना। सर, प्लीज गिव हिम अ लास्ट चांस। मैं समझाऊंगा इसे। जस्ट टेक हिम अवे। ले जाओ इसे। इसके दिमाग की कोई नस ज्यादा फट रही है। काट काट बाहर फेंक दो उसे, वरना मर जाएगा ये। आज तो तुम्हारी वजह से ये बच गया, लेकिन आइंदा आई विल नॉट टॉलरेट इट। चलो रघुवीर, चलो चलो। तू भी मेरे भाई की वजह से बच गया। चलो रघुवीर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चलो, नहीं छोड़ूंगा गणपत, नहीं छोड़ूंगा। मंत्री अंकल, ये धमकी अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुत्ते भांगते रहते हैं, काफले चलते रहते हैं। ये वही जगह है जहां हम आने वाले कल के सपने संजोया करते थे। ये वही जगह है जहां तू नेशनल हीरो बनने की बातें किया करता था। ये वही जगह है जहां पिछले 20 साल से हम हर दिन की शुरुआत किया करते थे। तेरी आखिरी मंजिल जेल की कोठरी या पुलिस की गोली है, और मुझे दिलवाएगा तू शर्मनाक बदनामी की कालिक। तेरी वजह से भाई भाई का रिश्ता आखिरी दम पर है। आज इस रिश्ते का नया जन्म होगा या फिर मौत, फैसला तेरे हाथ में है। मैं आपका सर झुकने नहीं दूंगा भैया। आज चाहे मैं अकेला हूँ, लेकिन कल सारा देश मेरे साथ रहेगा और आप भी। जहां से भी आप गुजरेंगे लोग कहेंगे, देखो देखो रघुवीर वर्मा का बड़ा भाई रवि वर्मा जा रहा है नेशनल हीरोज ब्रदर। भैया तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए बार बार टोकते रहते हैं कि कहीं तुम किसी खतरे में ना पड़ जाओ। मुझे दूसरों की परवाह नहीं। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि भैया भी मुझे। I cannot tolerate this. मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। हेलो, कौन बोल रहा है? रघुवीर। हाँ रघुवीर, क्या बात, क्या चाहिए तुम्हें? दोनों भाइयों के बीच दीवार तो खड़ी कर दी तूने, अब अपने इर्द गिर्द पहाड़ भी खड़े कर लेना। तेरी हर सांस के पीछे मौत बनकर खड़ा हूं मैं। तेरा एहसान घिनौना सहन करूंगा कि दोबारा कोई रावण रघुकुल की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। और सुन, इससे धमकी मत समझना। मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, समझ गया ना? हाँ समझ गया। समझ जा। हमारा दुश्मन दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है और हम। मैं लुट गया रे, लुट गया। ओफो, निधि राम की एक बात याद रखना सेवक, हम वो तूफान हम दोनों के तंबू खूंटों समेत उखाड़ देगा। और तू मैं लुट गया रे, मैं लुट गया रे, यही करते रहोगे, देख लेना। अरे भाई देख लेंगे और दिखा भी देंगे। तंबू तो अब रघुवीर का उखड़ेगा। आप जो चौपट की बाजी हम खेलने जा रहे हैं ना, उसमें पहले उतरेगा हमारा गजानंद गणपत। मंत्री अंकल, आप हर बात कितनी सोच समझ कर करते हैं। आप हुक्म कीजिए, मैं रघुवीर के छक्के चौड़ा दूंगा। मैं तैयार हूँ। हाँ तो तैयार हो जा छोरा, कल तेरा मर्डर होगा। सेवकराम, मुझे क्यों मरवा रहे हो? सेवकराम तू भूल रहा है कि गणपत मेरा भाई है। मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, ये राजनीति की रणनीति है भाई। गणपत और रघुवीर की दुश्मनी हमारे लिए बहुत फायदे की चीज है। उस दिन हमने ऑफिस में हमले का नकली ड्रामा किया था, उसके मुकाबले में ये बहुत बड़ी एक्शन फिल्म होगी। हाँ, ओ, बढ़ गया पंगा। अब समझा मैं रणनीति। लाश किसी और की जलेगी, बुत मेरे गणपत का लगेगा। सेवक राम, तुम्हारी इस एक्शन फिल्म में मेरा बड़ा इमोशनल रोल होगा। मैं रोऊंगा, छाती पीटूंगा, चिल्लाऊंगा, दीवारों में टक्कर मारूंगा। मेरा गणपत मर गया, मेरा गणपत मर गया, मेरा गणपत मर गया। सब कुछ नकली होगा, लेकिन वो ग्लिसरीन जिससे कि आंसू आते हैं वो असली होगी। क्यों, पड़ गया ना पंगा। लोगों को अपने डायलॉग याद हैं? जी हाँ, बिल्कुल याद है। जाओ और डाल दो पंगा। अच्छा। ओके। अनर्थ हो गया। रघुवीर ने आपके भाई गणपत का कत्ल कर दिया। जी हाँ, मेरी आंखों के सामने इसने गणपत को जलती हुई आग में फेंक दिया। नहीं, नहीं, कमीने, तूने मेरे भाई को मार डाला। मेरे भाई ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने तेरा? मैंने किसी को नहीं मारा। हमला तो उन लोगों ने हम पर किया था। झूठ बोल रहे सब लोग, झूठ बोल रहे सब लोग। झूठ है ये सब। मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा मैंने। ये सब झूठ है, झूठ बोल रहे सब लोग। बुलाओ पुलिस को, बुलाओ। मेरे भाई को मार डाला। इंस्पेक्टर साहब, अरे मेरे भाई को मार डाला इसका भी। मेरे छोटे भाई को मार डाला ये रघुवीर। इसने मेरे भाई को अभी अभी आग में जलाकर मार डाला। अरे स्टीम, ये झूठ है, ये झूठ है। इंस्पेक्टर, मुझे फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है। गणपत तो अभी मेरे सामने भागा। इंस्पेक्टर, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तुमने बहुत सारे जुर्म किए हैं बच्चे। कत्ल के साथ साथ गैर कानूनी हथियार का धंधा है तुम्हारा। ये झूठ है। माल सबूत समेत तुम्हारे जिमखाने से पकड़ा है बच्चे। ये साजिश है इंस्पेक्टर, साजिश है। जो कुछ भी कहना अदालत में जाके कहना। गिरफ्तार कर लो इसको। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सब? रघुवीर को गिरफ्तार क्यों कर रखा है? अरे दिखाई नहीं देता। मेरे मासूम छोटे से भाई को आग में जलाकर मार डाला। ये झूठ है भैया। तुमने भाई नहीं, गुंडा पाल रखा है, गुंडा। मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, इंसाफ मांगूंगा, इसकी जिंदगी में पंगा खड़ा कर दूंगा मैं। ये झूठ है भैया, भैया मैंने किसी को नहीं मारा भैया, पुलिस वाले भी उसके साथ मिले हुए भैया, ये साजिश है, ये झूठ है भैया। कोई झूठ नहीं है, मैंने किसी को नहीं मारा भैया, मैंने किसी को नहीं मारा भैया। और क्या पंगा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आओ आओ भाई वकील गंडोत्रा, इस केस में कोई कमी कोई पंगा नहीं होना चाहिए। डोंट वरी नीतिराम जी, आई एम फुली कॉन्फिडेंट। अगर डॉक्टर साहब नकली लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक बना दें तो। अरे इन साहब ने तो मुझे नकली दवाइयां सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, फिर नकली लाश की रिपोर्ट कैसे नहीं बनेगी। ओहो भाई, इस इंस्पेक्टर ने तो इतनी अच्छी FIR लिखी है कि इससे खुश होके हमने ज्यादा माल कमाने के लिए इसका तबादला बॉर्डर पे करवा दिया है। और वो रहे नकली चश्मदीद गवाह। हमने तो अपने बयान तोते की तरह रखे। अरे लुट गयो रे नीतिराम। अरे कौन से बाग के बादाम खा के तू ऐसे पैंतरे सोचता रहता है। अरे तू अगला पैंतरा तो सुन। हाँ, तेरे अंग रक्षक रवि वर्मा की बदली सरकारी पुलिस ने इंटेरोगेशन सेंटर में कर दी है। मगर क्यों? कहीं भाई के लिए सेंटिमेंटल होके वो तेरे ऊपर चांदमारी ना कर दे। अब तेरी जान को कोई पंगा नहीं है, अब पंगा पड़ जाएगा रघुबीर की जान को। अरे लुट गयो रे लुट गयो। आखिर कानून के शिकंजे में फंसे गए ना। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने ऊपर लगे हुए इल्जामों को कबूल कर लो, वरना बहुत पछताओगे। मैं निर्दोष हूं। चालाक बनने की कोशिश मत करो, सीधी तरह नहीं बकोगे तो हमें उगलवाना आता है। भैया मैं, भैया नहीं, इंस्पेक्टर वर्मा कहो। तुम्हें थर्ड डिग्री के चक्कर में घुमाया तो उधर जाओगे और खुद बहुत। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। एक मौका देता हूं। मैंने कुछ नहीं किया भैया। सोच लो। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर। यस सर। इसे ले चलो अंदर। भैया चलो। भैया मैं बेकसूर हूँ भैया, भैया मेरी बात तो सुनिए, मैं बेकसूर हूँ भैया, भैया भैया मैं बेकसूर हूँ भैया, भैया 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 मेरी बात तो सुनिए भैया प्लीज, भैया भैया मैं बेकसूर हूँ भैया, भैया मैं बेकसूर हूँ। भैया What? Designation? और क्यों? सच्चाई की तय तक पहुंचने के लिए वर्दी शायद रुकावट बने सर। नहीं, तुम जज्बाती होगे मिस्टर रवि वर्मा। एक पुलिसमैन होने के नाते तुम इतना तो समझते ही होगे कि खतरनाक मुजरिम जज्बाती बातें, झूठी कस्में और तरस पैदा करने वाले चेहरे बनाने में माहिर होते हैं। आई एम सॉरी सर, खून जैसे अपना रंग नहीं बदलता वैसे ही खून अपने खून के सर की झूठी कसम नहीं खाता। मुझे अपने खून पर नाज है सर। प्लीज एक्सेप्ट माय रेजिग्नेशन। मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता। मिलॉर्ड, गवाहों का बयान और पुलिस द्वारा बरामद किए गए हथियार ये साबित करते हैं कि रघुवीर वर्मा सिर्फ गणपत का कातिल ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा खतरनाक आतंकवादी है जिसके उन विदेशी ताकतों के साथ गहरे संबंध हैं जो इस देश के टुकड़े कर देना चाहती हैं, इसे कमजोर और खोखला कर देना चाहती है। मिलॉर्ड, यह था इसका फ्यूचर प्लान। अब मैं इसकी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। शुरू से ही रघुवीर को गुंडागर्दी का शौक था जिसके कारण इसको कॉलेज से रस्टिकेट भी किया गया था। कॉलेज से निकलते ही इसने गली मोहल्ले में दहशत फैलाना शुरू कर दी और फिर अपने आप को खुद ही नेशनल हीरो का खिताब भी दे डाला। मैं पूछना चाहता हूं, क्या नेशनल हीरो नाजायज हथियारों का धंधा करता है? क्या नेशनल हीरो गणपत जैसे युवा नेता का खून करता है? क्या नेशनल हीरो एंटी नेशनल ताकतों से मिलकर देशद्रोह करता है? नहीं मिलॉर्ड, मेरा भाई देशद्रोही नहीं है, वो निर्दोष है। ये सब झूठ है, गलत है मिलॉर्ड। गलत है तो आप इसे निर्दोष साबित कर दीजिए, ले आइए सबूत। सबूत तो तुम लोगों ने गायब कर दिए। मिलॉर्ड, मिस्टर रवि वर्मा अदालत में खड़े एक रिप्यूटेड वकील पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इनका कहना है कि मैंने झूठे गवाह पेश किए, मैंने गलत सबूत पेश किए। यह कानून की वर्दी, यह इंसाफ की मूर्ति और अदालत की कुर्सी पर विराजमान यह जज साहब, ये सब झूठे हैं और दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ाने वाला इनका भाई सच्चा है। मिलॉर्ड, ये शोर मचाकर अदालत की कार्रवाई रोकना चाहते हैं। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यह अदालत की तोहीन है। मिस्टर रवि वर्मा, अदालत आपको चेतावनी देते हुए बाहर जाने का हुक्म देती है। आप मुझे बाहर तो निकाल सकती है मिलॉर्ड, लेकिन मेरी आवाज को बंद नहीं कर सकती। रघुवीर निर्दोष है, उसे फंसाया गया है मिलॉर्ड, उसे फंसाया गया है, वो निर्दोष है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, ये कोई आम मुकदमा नहीं है। इस मुकदमे का फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक होना चाहिए। That's all मिला। मिस्टर रघुवीर, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूं मेरे भैया ने कह दिया, आपने सुना नहीं, लेकिन मैं सुनना चाहता हूं। कानून के हर फैसले को सुनना चाहता हूं। आप अपना फैसला सुनाइए। फैसला 3 घंटे के बाद सुनाया जाएगा। Court is adjourned for 3 hours. सर, अदालत अपना फैसला 3 घंटे के बाद सुनाएगी। रोशनी, सारे सबूत रघुवीर के खिलाफ है। यह फैसला मेरा अपना नहीं, कानून की किताबों का है, उस संविधान का है जिसकी मैंने शपथ उठाई थी। मुजरिम रघुवीर वर्मा, ये अदालत तुम्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। हैंग टिल डेथ। भाभी, भाभी। love you, Mahini. I love you. रघुवीर। अरे भाभी, तू रो रही है? भाभी तू तो मेरी माँ है, और माँ रोते रोते अपने बेटे को विदा नहीं करती। झूठ के काले बादल सूरज को कितना भी ढक ले, एक दिन उजाला होकर ही रहेगा। मैं आऊंगा, लेकिन इस बार तेरी कोख से जन्म लेकर ही आऊंगा माँ। रोशनी, भाभी और भैया का ख्याल रखना। तेरा धीरे बोल छोटे, आजकल दीवारों के भी कान होते हैं। रघुवीर को फांसी हो गई। अब तो जश्न होना चाहिए। अरे फांसी की सजा हुई है, फांसी हुई तो नहीं है। जब तक वो साला मर नहीं जाता कोई भी पंगा खड़ा हो सकता है। पंगा? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तब तक तुम्हें लाश की एक्टिंग करनी होगी। हाँ, लोगों के लिए तुम मुर्दा हो, और मुर्दे लोगों का ऐसे उछलना हम जिंदा लोगों के लिए अच्छा नहीं है, समझे? I'm sorry बेटे, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। जज के तौर पर तो आपने फैसला सुना दिया, मगर याद है एक फैसला अपने माँ के तौर पर भी सुनाया था। हम दोनों को एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाने का फैसला, वो भूल गई माँ। मैं सिर्फ एक माँ हूँ बेटे, कोई विधाता नहीं। उसके फैसले को तो कानून की लाखों करोड़ों किताबें भी नहीं बदल सकती, मगर प्रेम के 2.5 अक्षर इस फैसले को बदल सकते हैं माँ। भगवान करे ऐसा ही हो बेटे। कितनी बदनसीब माँ हूँ मैं, अपनी बेटी को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद भी नहीं दे सकती। रघुवीर। रोशनी, यूं मुझसे आंख मत चुरा रघुवीर, मेरी तरफ देखो। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? जिससे जिंदगी खुद आके चुरा रही हो वो कर भी कर सकता है। रोशनी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें जी भर के प्यार भी न दे सका। नहीं रघुवीर, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, अपना प्यार, अपना साथ। बस मेरी एक ही आरज़ू है, इन हाथों से मेरी मांग भर दो, मेरा दामन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। रघुवीर, आज तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरकर मेरी उम्र बढ़ा दी। भगवान करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। चुपकी भर दूर से तूने सीमन मधुबन से ये संदेश लाई है, दो सांसों की दो रूहों की आज मिलन रुत आई है। मेरे इस मन के मंदिर में तेरा रूप सुहाना है, गंगा के जल से भी पावन मैंने तुझको माना है। मुझे चाचा चाहिए, मैं चाचा के बगैर स्कूल नहीं जाऊंगी। पहले उनको बुला के लाओ, फिर मैं स्कूल जाऊंगी। देखो बेटे, कल भी तुम स्कूल नहीं गए, आज फिर से जिद कर रही हो। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। हाँ, मैंने कह दिया ना, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। मम्मी प्लीज बताओ ना, चाचा कहाँ है? गुड मॉर्निंग मिस नेहा वर्मा। गुड मॉर्निंग नेहा, चाचू ने कहा है कि अगर आप स्कूल नहीं जाएंगी तो वो आपसे कट्टी कर लेंगे। आप जानती हो चाचा कहाँ है? हाँ जानती हूँ, आपके चाचू ने भेजा है मुझे यहाँ और कहा है कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं आपको स्कूल छोड़कर आऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा। आई लव यू। चाची मैं तैयार रखे आऊँ। रोशनी, जो फर्ज तुमने इस घर की बहू बनने के बाद करना था, उसका बोझ तुमने पहले से उठा लिया। तुम्हारे रघुवीर को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। वो वापस आएगा रोशनी, मैं लाऊंगा उसे। हाँ रोशनी, मैं लाऊंगा उसे। ये रहे गणपत बनाम रघुवीर केस के चश्मदीद गवाहों के एड्रेस। थैंक यू। एडवोकेट गंडोत्रा तो कुछ दिन पहले विदेश चले गए। सॉरी सर, जब डॉक्टर सक्सेना इस दुनिया में रहे ही नहीं, आप उनसे कैसे मिल पाएंगे? दुनिया में रहे ही नहीं? जी हाँ, बेचारे सड़क पर जा रहे थे, एक ट्रक ने उनको उड़ा दिया। इस नाम के आदमी यहाँ कोई नहीं रहता। मुझे कुछ नहीं पता साहब। इस नाम का आदमी तो यहाँ कोई नहीं रहता जी। इस नाम और पते के आदमियों का राशनिंग ऑफिस में कोई रिकॉर्ड नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? आपके पास एक सबूत भी तो नहीं जो ये साबित कर दे कि रघुवीर निर्दोष है। मैंने सबूत ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिन लोगों ने अदालत में झूठी गवाही दी थी, वो गवाह यहाँ तक कि वकील, डॉक्टर सब लापता है। कुछ विदेश जा चुके हैं, कुछ मर चुके हैं। मेरी समझ में नहीं आता गायत्री देवी, मैं क्या करूं? मेरे पास सबसे बड़ा सबूत यही है कि रघुवीर ने मेरे सर की कसम खाकर कहा था कि वो निर्दोष है। मैं अच्छी तरह जानता हूं रघुवीर अपनी जान बचाने के लिए मेरी झूठी कसम कभी नहीं खा सकता। आप अपने दिल से पूछिए, अगर रघुवीर को फांसी हो जाने के बाद यह साबित हुआ कि वो निर्दोष है, तो हम क्या जवाब देंगे उससे प्यार करने वालों को? कौन जिम्मेदारी लेगा उस बेगुनाह की मौत का? आप, मैं, या ये कानून? अगर रघुवीर न रहा तो मुझसे मेरा भाई ही नहीं, एक भाभी का बेटा छिन जाएगा, रोशनी का सुहाग बैठ जाएगा, बस्ती वालों का नेशनल हीरो खो जाएगा। क्या उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं? रास्ता निकलेगा, जरूर निकलेगा भाई साहब। आपके विश्वास ने मेरे सोए हुए विश्वास को जगाया है। रघुवीर का केस बतौर वकील मैं लड़ूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति से रहम की अपील भी मंजूर करवाऊंगी। लेकिन ये गुलशन उजड़ने नहीं दूंगी। ऑनररी जूरी मेंबर्स, आप सब लोग कानून के हर कड़ी के विद्वान हैं, जानकार हैं। आप ये भी जानते हैं कि कानून की किताब इंसान ने लिखी जरूर, मगर वक्त के बदलते हुए हालात को देखते इंसान का दिमाग नए तजुर्बे, नई मंजिलें तय करता रहा, ताकि इंसाफ की तलवार किसी मासूम या बेगुनाह पर न चल सके। न्याय की कुर्सी पर बैठकर हम झूठ और सच का फैसला करते हैं, किस बिना पर? हमारे सामने पेश किए गए सबूतों के बिना पर। लेकिन कितने सबूत ऐसे हैं जो हमारे सामने पेश ही नहीं किए जाते। कितने सबूत ऐसे हैं जिस पर झूठ की गर्द जमी होती है। आप अपने अंतरात्मा में झांक कर देखिए। न्यायाधीशता के लंबे अरसे में पता नहीं आप कितनी बार महसूस करते हैं कि न्याय की इस कुर्सी पर आप सिर्फ एक खिलौना बनकर बैठना नहीं चाहते। कानून की लड़ाई नेकी और बदी की लड़ाई है, और नेकी की रोशनी मैंने रघुवीर की आंखों में देखी थी जब मैंने उसे फांसी का हुक्म सुनाया था। रघुवीर एक होनहार नौजवान है, उसके अच्छे कामों और लोगों के विचारों की फाइल मैंने आपके सामने पेश की है। मेरी आपसे गुजारिश है कि रघुवीर की फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी जाए, ताकि अगर कानून से कहीं कोई भूल हो गई हो तो एक भावी सच को जिंदा रहने का मौका दिया जा सके। गायत्री देवी द्वारा की गई मर्सी अपील को भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। इसलिए रघुवीर की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का हुक्म दिया जाता है। रघुवीर की फांसी की सजा उम्र कैद में बदल गई। कैद काटने के बाद मेरी मौत मच जाएगा। तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुझे। कानून ने उसकी सजा बदली है, हमने नहीं। जेल से उसकी रिहाई, इस दुनिया से उसकी विदाई होगी। पापा, चाचू आ गए क्या? अरे मेरी बिटिया, चाचू तेरा जरूर आएगा, हम उसे लेकर आएंगे। गॉड प्रॉमिस। ये तेरे प्यार की शक्ति और सच्चाई है बेटे, कि भगवान ने हमारी किस्मत का फैसला ही बदल दिया। मेरे लिए तो आप, मम्मी, सिर्फ आप ही भगवान है। नहीं बेटे, वो ऊपर वाला है, उसी का आशीर्वाद है कि आज मैं अपनी बेटी को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे सकती हूँ। God bless you. I love you, मामा. I love you. ये क्या है? आज से हौसले फिर बुलंद हो गए। कानून के रजिस्टर में वो गणपत मरा है, हमारे रजिस्टर में नहीं। ये रहे सारे होटल्स, उसके अड्डे और उनसे मिलने वालों की फाइल। उस चूहे को बिल से निकालने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। हाँ, आज से तुम उनके वेलफेयर ग्रुप में सर्विस करोगी। ये उनका वो ग्रुप है जो उनके आने वाले हर मेहमान का स्वागत करता है। उन पर चील की आंख रखने का यही एक तरीका है। Yes, I will join. क्यों? आप लोगों ने मुझे क्यों बंद कर दिया उस तहखाने में? हाँ? क्यों सड़ता रहूं मैं वहाँ? अरे बावला हो गया है तेरा भाई नीति, बावला हो गया है। अंधेरी कोठरी में रहते रहते बेचारे को ना दिन का पता चलता है और ना रात का। मैं जानू भाई, मैं अच्छी तरह से समझूं कि ये सांस लेने वाला जीव है, इसे बाहर की हवा चाहिए। और पर तू भी तो सोचने वाला जीव है, कुछ सोच इसके बारे में, कुछ सोच नीति। मैंने सब सोच रखा है। ये बाहर का जीव बाहर की हवा लेते लेते बाहर से ही आएगा। जैसे फिल्मों में डबल रोल होता है ना, राम के मरने के बाद शाम आता है, उसी तरह से स्वर्गीय गणपत का जुड़वा भाई कल हवाई अड्डे पर उतरेगा। Welcome Pizza. Welcome my brother. Welcome. इंडिया आए भी तो किस मौके पे, जब हमारा प्यारा नटखट गणपत भगवान को प्यारा हो गया। तुम और गणपत साथ में ही तो पैदा हुए थे, साथ में खेले, साथ में बड़े हुए। आज तुम यहाँ और गणपत वहाँ। वेलकम ब्रदर। क्या बात है, क्या हॉलीवुड गेटअप मारा है। तुम शिव देखो, अपने आप को पहचान नहीं सकोगे। आखिर भाई हूँ आपका। बिहेव लाइक पिज्जा, पिज्जा की तरह बात करो। ओह यस यस। हेलो भैया, हेलो भैया। व्हाट इज ऑल दिस? ये क्या है? ये रीति रिवाज है। रीति रिवाज मींस व्हाट? वेलकम वेलकम। अरे बेवकूफ, ये ड्रामा करना जरूरी था ताकि लोगों को यकीन हो जाए तू गणपत नहीं, पिज्जा है। पिज्जा पिज्जा पिज्जा। शाबाश। फ्लावर शावर। फूलों से नाना माला, फूलों का माला गार्डन। भैया, इस पंगे में मत पड़ पिज्जा, इस तरफ। अगर गणपत जिंदा है, उसके किए की सजा उसे जरूर मिलेगी। वो पाताल में भी छुपा हो, मैं उसे कानून के सामने लाकर खड़ा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। Hey, lady! For me, huh? Oh, if you want me, catch me. Oh, lady, I want you. I want you. Oh. Sorry, you know. Ow. I'm in love. मेरी बोटी से टक्कर मारदा अखा नहीं फ्यूज होए मतलब सॉरी यू नो ओए अंग्रेजी विच माफी मंगण दा की स्वाद है जो पंजाबी मुक्के विच इट हैपेंस प्यार में ऐसा भी होता है यस आई थिंक यू हैव गॉट मैड फॉर मी यस मैं पागल हो गया हूं आई बिकम मैड मजनू रोमियो कुछ भी बन जाऊंगा बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ। मैंने इसी होटल के बार में अपने मैरिज का यानी शादी का स्वयंवर रचाया है। If you want me, come and try your luck. Yes. I want you. मैं जानती हूँ तो आएगा, जरूर आएगा। Where are you? Oh. Wow! Oh. आप? हम तो आपको देखे extremely clean bold हो गया मैडम। You two look very interesting, man. Who are you? I'm Pizza from Honolulu. I'm Miss Lollipop from Iloilo. I know मैं जानता हूँ इलू क्या है इलू क्या है इलू क्या है ये इलू मतलब है I love you इलू का मतलब I love you but I don't love you I love you पहले ये 16 पैक पियो उसके बाद इलू ये मिस लॉलीपॉप स्वयंवर का पहली शर्त है इलू शर्त आई डोंट मिस इलू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 Oh my god He's gone crazy I'm all right Hello, Elu. Oh my God. You're not no more, ma'am. Your private bungalow में जाकर कुछ private बातें करें हाँ? हम private बात सिर्फ Indian मर्द से करेगा. Do you understand that? Oh, Indian मर्द! I promise, वहाँ तुम्हें सिर्फ एक Indian मर्द मिलेगा। हाँ। ओए माँ, मेरी जवानी पर तरस खाओ सनम। इलू का वादा करके कहाँ चला गया? हम यहाँ हैं। Oh my God! देसी बंदर अंग्रेजी बाल। Who are you? I'm your son of. Huh? Bastard. Yo, Indian son of. Ilo. Hindustani man. Hey ma. मगर विदेशी बाल ना आए। जब इलू हो जाएगा तो ये भी पसंद आएगा। ओए माँ, ये किस लिए? आप जैसी विदेशी सुंदरी की रक्षा के लिए। ओए माँ। ओए माँ, what an Indian expression! तेरे प्यार में सनम, तेरे इंतजार में हो गया दिल मेरा बेकरार। ओए माँ तेरे प्यार में सनम, सनम तेरे इंतजार में हो गया दिल मेरा बेकरार। आ करीब ना मुझे सका जलने लगा बदन आँखें से प्यार मिशन के लिए तुम इस आग में कूदी हो, उसमें ऐसे खतरे मुमकिन है। मैं अपने मिशन में कामयाब रही हूँ भैया। जिस कत्ल के इल्जाम में उन्होंने रघुवीर को फंसाया था, वो कमीना गणपत अब तक जिंदा है। भैया ये सिर्फ लाइटर नहीं, कैमरा भी है, और इसमें वो सारे सबूत हैं जिससे हमारा रघुवीर निर्दोष साबित हो सकता है। की बेवकूफी की वजह से हमारे सारे राज रवि के हाथों लग चुके हैं। अब वो आग बबूला होकर तूफान की तरह हमारी तरफ बढ़ता रहा होगा। इस बंगले की घेराबंदी कर दो, वो यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए, समझे? जाओ। झूठे सबूतों की बिना पर तूने मेरे मासूम भाई को फंसाया, उस पर घातक इल्जाम लगाया, मुझे धोखे में रखा। तेरी मक्कारी का पर्दाफाश हो चुका है। आज मेरे पास सारे सबूत हैं। मैंने कुछ नहीं किया रवि, मैंने यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया। तू बकेगा, तेरे मुंह से मैं सच उगलवाऊंगा। मारूंगा नहीं, तुझे कुत्ते की तरह घसीट के उसी कोर्ट में ले जाऊंगा जहां तूने मेरे मासूम भाई को फांसी की सजा सुनाई थी। आज अपने गुनाहों का तू ही चश्मदीद गवाह होगा। चल चल, दूसरों को फांसी की सजा सुनवाने वाले। छोड़ दो, छोड़ दो। रुक जा रवि वर्मा, रुक जा। मुझे मालूम था कि तू पंगा खड़ा करने के लिए सीधा इधर ही आया, इसलिए तेरे पंगे को ठंडा करने के लिए मैं भी सीधा तेरे घर चला गया। सेवक राम को छोड़ दे अंगरक्षक, वरना तेरी इस बुलबुल के अंगों की रक्षा कौन करेगा? शाबाश नीति राम, शाबाश। अरे तुम्हारी बुद्धि पर तो मैं लुट गया रे, लुट गया। नमक हराम, मुझे मारने आता है? मुझे? सब बर्बाद हो गई। मेरे समाज को उजाड़ने वाला भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ। हाँ तो निकी राम, अगला पंगा क्या होगा? तू एक काम कर, अखबार वालों को बुलाओ और उन्हें बताओ कि अपने आतंकवादी भाई के गुस्से में इस बावले ने तुम्हारे ऊपर हमला किया और तुम्हारे अंगरक्षकों ने इसे लाश बना दिया। हाँ ये जो औरत है, ये तो भारतीय नारी है, सती सावित्री है। ये ऐसी औरत जब भरी जवानी में विधवा हो जाती है ना तो पागल हो जाती है, पागल। यही इसका धर्म है। हाँ, इसे पागल करार कर दो। पागल? मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल में निभाने वो शमशान घाट जाएगा, लेकिन वहां एक नहीं 2 लाशें जलनी चाहिए। रघुवीर का जेल से भाग जाना कोई आम खबर नहीं है। बहुत बड़ी चेतावनी है ये। नीतिराम जल्दी से अपनी खोपड़ी टटोल और इसका कोई तोड़ सोच। मेरी चाणक्य नीति ये कहती है आज से हमारे सारे गोडाउन, हमारे सारे काले धंधे बंद। तमाम मड्डों को उड़ाता जा रहा है, हमारे तमाम जवानों को मारता जा रहा है। मैं ये पंगा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मत भूलो कि रघुवीर की असली तलाश गणपत है। अगर गणपत उसके हाथ लग गया तो हमारा पूरा सिंहासन हिल सकता है। ऊपर से इलेक्शन भी नजदीक आ रहा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके गणपत को फिर से मिस्टर पिज्जा बनाकर वापस विदेश भेज देना चाहिए। अरे आखिर मैं कब तक गेटअप चेंज करता रहूंगा? मिस्टर पिज्जा, होनोलुलु, इलु इलु, मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं देख छोटे, देख मुन्ना, जब तक ये तूफान अपना रुख ना बदल ले तो विदेश का रुख कर ले। अच्छा शाबाश। राम, मैं आ रहा हूं। रघुवीर आजा, आ। तू बहुत हो गया, छोड़ दे अभी गणपत को, छोड़ दे मेरे भाई को। देख रुकने, मैं तुझसे फिर कह रहा हूं, छोड़ दे मेरे भाई को। पड़ेगा पंगा, छोड़ दे मेरे भाई को, छोड़ मेरे गणपत को। गणपत तो ठीक है ना, तेरे अंदर बगावत की ये जो आग भड़क रही है ना, इस आग में तो खुद तो जलेगा ही, तेरे साथ वो भी बुरे जाएंगे जिनमें तेरी जान अटकी हुई है, यानी कि तेरी जान से भी प्यारी तेरी भाभी और तेरी माशूका। चलो चलो हथकड़ी खोलो, चलो हथकड़ी खोल दो, चलो। गणपत को छोड़, छोड़ अभी गणपत, अभी खोलता मेरे भाई को, छोड़। अच्छा गणपत आजा, गणपत 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 तू ठीक है ना, तू ठीक है ना? पता चला भाई की मौत का दर्द क्या होता है। मारा मेरे गणपत को, मारा तूने। चला गोली साले, चला। नहीं बचा, ठहरो निकिराम, नहीं, इतनी जल्दी मत करो। इसने गणपत को मारकर हमें बहुत बड़ा जख्म दिया है। ऐसे दुश्मन को तड़पा तड़पा कर मारने के लिए इसके हर जख्म, हर दुख की रात पर हमें तेजाब छिड़कना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी दुखती राख है इसकी विधवा भाभी, जिसे देखते ही ये पागल हो गया था। आज हम एक बहुत बड़ी रस्म पूरी करेंगे। नहीं, नहीं, शिवकर्म नहीं, नहीं, हरामजादे, नहीं। मैं कहती हूँ रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। बहुत ज़्यादा भाभी देश की बर्बादी के जिम्मेदार इन गुनहगारों से पर्दा उठाकर रघुवीर ने एक सच्चे देशभक्त का काम किया। रघुवीर ने जो कुछ भी किया अपने देश की रक्षा और बहुत से मासूमों की जान बचाने के लिए किया। इसीलिए अदालत की नजर में रघुवीर निर्दोष है और अदालत उसे सब इल्जामों से बरी करती है।